नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बहुत बढ़िया जो वैकेंसी निकली है, डिजिटल जो शिक्षा है और विकास संस्थान है उसकी तरफ से ये वैकेंसी निकली है। काफ़ी अच्छी इसमें पद रखे गए हैं और अच्छा परीक्षा पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसेस भी बढ़िया है। सब कुछ आज हम इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक आपको सुनना है सभी। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो ये आपके लिए बेहतरीन साबित होगी ये वैकेंसी। चलिए तो इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। डिजिटल शिक्षा और विकास संस्थान, दोस्तों इसमें जो टोटल वैकेंसी निकली है आपकी 340 पद रखे गए हैं। कितने रखे गए हैं? 340 पदों की लिए ये भर्ती निकाली गई है, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, DSRVS के बारे में अगर बात की जाए योग्यता की, तो इसकी जो योग्यता है वो ओनली फॉर 12वीं पास रखी गई है। और 12वीं पास के साथ अगर आपने कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डिप्लोमा, RSCIT या फिर किसी भी और कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स कर रखा है तो आप इस फॉर्म को बढ़िया तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर डिप्लोमा एंड 12वीं पास इसमें योग्यता रखी गई है। और आवेदन जो आपके भरे जाएंगे इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया रहेगी दोस्तों, और ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया रहेगी 25 मार्च से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और आपकी 24 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने की, ठीक है। तो ये आपकी आवेदन प्रक्रिया रहेगी। एंड इसमें आयु सीमा भी आपको दर्शाई गई है कि 18 वर्ष से कम आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। ये आपके 18 वर्ष से कम आयु के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं हो सकता। और आपकी 35 यानी कि 35 वर्ष से ऊपर आयु नहीं होनी चाहिए। एंड जो ST और SC कैंडिडेट्स हैं उनको 5 वर्ष की छूट रखी गई है, यानी कि आप 5 प्लस कर दीजिए। और PWD जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 10 वर्ष की छूट रखी गई है। ये जनरल की है एंड OBC कैंडिडेट्स की है 18 से और 35। एंड ST SC जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 ईयर्स एंड PWD कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स की यहाँ पर छूट दी गई है एज रिलैक्सेशन। और एप्लीकेशन फी, दोस्तों बेरोजगार है मैं जानता हूँ अच्छी प्रकार से भली भांति कि जनरल की यहाँ पर फीस काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। जनरल और OBC की यहाँ पर फीस जो रखी गई है डिजिटल शिक्षा और विकास संस्थान की तरफ से 500 रुपये ऑनलाइन फी आपकी रहेगी जनरल और OBC कैंडिडेट्स की, ठीक है। और जो SC और ST वाले जो है उनके लिए 300 रुपये फीस, और PH जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी बराबर ST और SC के बराबर ही 300 रुपये फीस रखी गई है। तो ये आपकी इसमें एप्लीकेशन फी रहेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। क्या इसमें एग्जाम पैटर्न रहेगा, किस प्रकार इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो हम आपको बताने यहाँ पर जा रहे हैं। दोस्तों इसमें आपकी GK रखी गई है, जनरल स्टडीज एंड रीजनिंग जो रखी गई है उसके 60 क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में, ठीक है। कितने क्वेश्चन आएंगे? GK एंड रीजनिंग से रिलेटेड आपको 60 क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देंगे। उसके अलावा आपको मैथ भी पूछी जाएगी, मैथ के ओनली आपको 10 क्वेश्चन दिखाई देंगे, ठीक है। मैथ आपकी 10 नंबर की आएगी और इंग्लिश से रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि आपको ये जो एग्जाम होने वाली है ये ओनली फॉर 80 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन का रहेगा, सॉरी। और इसमें जो मार्क्स आपके रखे गए हैं 200 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। कितने का रहेगा? 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। और आपकी एग्जाम जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 90 मिनट,
ठीक है, यानी कि आपको डेढ़ घंटे का ये पेपर रहेगा, 90 मिनट का ये पेपर रहेगा। इस प्रकार आपका एग्जाम पैटर्न इसमें रहने वाला है। अब हम बात करते हैं आपको पोस्ट वाइज जो वैकेंसी निकली है, किस में किस कौन सी पोस्ट निकाली गई है, वो हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों आपकी सीरियल नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं, तो कंटेंट जो राइटर होता है उनकी यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है 186 पोस्ट, और इसके लिए ओनली फॉर सिंपल तरीके से एलिजिबिलिटी रखी गई है ओनली फॉर 10+2 यानी कि 12वीं पास, और किसी भी कोर्स है कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोर्स इसमें हो सकता है वो इस फॉर्म को भर सकता है कॉन्टेंट राइटर के। और सीरियल नंबर 2 की हम बात करते हैं दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट, ये वो वैकेंसी है जो बढ़िया है और इसमें सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं। ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो 48 यानी 48 पोस्ट है। इसमें आपको ग्रेजुएशन मांगी गई है यानी कि आपको डिग्री मांगी गई है, किसी भी स्ट्रीम में डिग्री होना अनिवार्य है, और वही आपको छोटा मोटा कंप्यूटर कोर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए ऑफिस असिस्टेंट के लिए। और आपकी सीरियल नंबर 3 की हम बात करें तो ये आपकी DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है, काफी ज्यादा वैकेंसी है आपकी 106 वैकेंसी है, जिसमें आपको 10+2 12वीं पास रखी गई है डाटा एंट्री ऑपरेटर, एंड आपको कंप्यूटर कोर्स किसी भी स्ट्रीम में होना जो है अनिवार्य है। तो ये आपकी 3 प्रकार की अलग अलग पोस्ट वाइज ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपके 340 पोस्ट है यानी कि बहुत बढ़िया पोस्ट है। दोस्तों ऐसे मत सोचना कि 340 जो पद है वो काफ़ी कम है, काफ़ी इसमें फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं तो हम फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये वो वैकेंसी है जो पतली गली से आपको जो है सिलेक्शन देके जाती है, ऐसी वैकेंसियों का किसी किसी को पता होता है किसी किसी को नहीं होता है, और जो फॉर्म अप्लाई करते हैं वो ऐसा नहीं है कि सभी मास्टरमाइंड हो और सभी को जो है सीट को छीन सकते हैं। दोस्तों ओनली फॉर आपको तो एक ही सीट लेनी है, और वो भी आपकी खुद की सीट लेनी है। दोस्तों जो इस प्रकार की वैकेंसियां निकलती है उन पर अवश्य ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वर्तमान टाइम पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, कंपटीशन हद से पार हो गया है, इसलिए फॉर्म अप्लाई अवश्य कीजिए। ज़्यादा भी इसमें आपको जो है योग्यता नहीं मांगी गई है जो ये वैकेंसी में बताने जा रहा हूँ। इस चैनल पर आपको बढ़िया बढ़िया जो वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट प्राइवेट एंड सभी प्रकार की वैकेंसियों के बारे में लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। तो अभी तक आपने हमारे साथ चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको इसी बोर्ड पर ऑफिशियल माध्यम से ही यहाँ पर सब कुछ बातें बताई जाती है। दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आपको तुरंत जो है रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आप किसी भी प्रकार की स्टूडेंट्स किसी भी प्रकार की जॉब एजुकेशन किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, एंड हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल है, ईमेल के माध्यम से आप अपनी समस्याओं से हमें अवगत करा सकते हैं, आपको तुरंत वहां पर रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों धन्यवाद प्यारे दोस्तों।